तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई का कैलकुलेशन पार्ट। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पावर बीआई में हम डेटा को लोड करते हैं। तो कल्पेश जी हमने बताया कि कैसे गेट डेटा में जाके हम किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेल में, सॉरी एक्सेल या किसी भी तरह के डेटा को हम इसमें लोड करेंगे। तो चलिए हम डेटा लोड करने के बाद क्या है कि जैसे कि डेटा जो आई है आपकी, वो आपकी जैसी आप चाहते हैं उस तरीके से तो नहीं आएगी ना सर, उसमें कुछ खामियां जरूर होगा, राइट। हाँ सर। तो चलिए हम आपको एक डेटा डाउनलोड करते हैं और उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन है, कुछ ऐसे फील्ड्स जो नहीं है वो ऐसे फील्ड्स को हम यहाँ पे डालने का कोशिश करेंगे। तो मैं डेटा भी एक लोड किया है, ये हमारा डेटा है आपके सामने जो दिख रहा है। अब मैं इसको यहां से लोड करता हूं इसको, ठीक है। अब इसमें हम यहां पे हमारे साथ डेटा आ गया, ये हमारे सारे फील्ड्स हैं, अब मैं चाहता हूं अपने डेटा में कुछ कैलकुलेशन करना है। एक मिनट, डेटा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन क्यों करें, मतलब क्या जरूरी है कैलकुलेशन की। जैसे आप देख रहे हैं डेट वाइज हमारे पास डेटा है ना सर। अब मैं हाँ सर। रिपोर्ट में आता हूं और रिपोर्ट में मैं अपना जो मेरा जो डेट है इस डेट को उठाता हूं और ये डेट को यहां रखता हूं, राइट। और इस पे हम डेट वाइज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसको हम चाहते हैं, आ गया। अब यहां पे देख रहे हैं कि ईयर वाइज आ गया, फिर मैं यहां से इसको करूंगा तो फिर क्वार्टर वाइज आएगी, फिर इसको करूंगा तो फिर मंथ वाइज आएगी। ऊपर इसको ऊपर ऊपर कर दिया तो ऊपर वाइज, नीचे कर दिया तो नीचे वाइज, ठीक है। लेकिन हाँ सर। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरा मंथली, डायरेक्ट मेरा मंथली सेल्स ही है, समझ गए। हाँ हम सर। यूजर को ऐसा चीज नहीं देना चाहते हैं, हम यूजर को ऐसा देना नहीं चाहते। क्या करेंगे हम इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां डेटा मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं, फिर डेटा में जाता हूं। तो डेटा में मैं यहां डेटा में आता हूं और डेटा में मैं यहां पे एक कैलकुलेशन को ऐड करूंगा। तो यहां पे हो गया, इसमें आप चले जाइए मॉडलिंग में, मॉडलिंग में यहां आपको न्यू मेजर्स या न्यू कॉलम दिख रहा है ना सर, हाँ सर। इस न्यू कॉलम पे हम आते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि आप क्या हेडिंग क्या है, यहां पे जैसे मैंने दे दिया मंथ कि यहां पे हम मंथ लगाना चाहते हैं, राइट। और हाँ यहां सर। पे हम कॉमा लगाएंगे मंथ नेम का, ठीक। टेक्स्ट का नहीं लगाना पड़ता एक्सेल जैसा। हाँ टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, में नहीं है। मंथ नेम फॉर्मूला होता है, मंथ नेम ने मंथ नंबर रहता है ना कुछ। एक तो आपका है देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, ये इस जो डेट आप सेलेक्ट करोगे उस डेट के लास्ट ऑफ मंथ का आएगा,
यो मंथ यो है, मंथ मंथ है है। आपका, जिसमें से नंबर में रिटर्न करेगा, वन टू लेके नंबर में, हाँ बोले हाँ ये टेक्स्ट का फॉर्मूला लगेगा फिर इधर। नहीं, इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला इसमें नहीं है। तो मंथ में हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया, राइट? कौन सा डेट? तो डेटा का डेट, डेट यहाँ फॉर्मूला भी है, तो डेटा का आप यहाँ पे दे दीजिए। अच्छा, डेटा का डेट सिलेक्ट कीजिएगा, डेट फॉर्मूला नहीं। हाँ, फील्ड रहेगा फील्ड। फिल नेम डेट, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप एंटर मारिए, तो एक नया कॉलम ऐड हो गया। या इसमें वन टू थ्री इसके मंथ नेम आपको दिख गया सर? मंथ काउंट दिखा उसका। हाँ, मंथ काउंट दिखा, लेकिन मुझे इसमें चाहिए मंथ का नेम, मुझे जनवरी, जैन, फेब, मार्च चाहिए, राइट? तो उसके लिए एक्सेल में तो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला है, समझे? ठीक है। हाँ क्योंकि पावर बी आई टेक्स्ट था, कुछ दिन पहले मैंने उसको अप्लाई किया है सर। सर, इसमें फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है मंथ नेम की जगह पे, समझे? फॉर्मेट, उसमें या राइट, फॉर्मेट देते वो डायरेक्ट फॉर्मेट फॉर्मेट देखते। कीजिए। अब यहाँ पे आपका डेट डेट देना है आपका, तो डेट में मैंने यहाँ पे, हाँ, डेट वैल्यू एंड फॉर्मूला डेटा हो फॉर्म। गया। डेटा डेट ठीक है, इसमें डेट सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, और इसमें फॉर्मेट कर दिया मैंने MMM 3 बार। हेलो। हेलो। आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही है। तो यहां पे हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला जैसे एक्सेल में होता है, वही फॉर्मूला यहां पे फॉर्मेट होता है, ठीक है ना? और मैं हेलो। कंफ्यूज था, क्योंकि मंथ नेम फॉर्मूला जो होता है वीवीए में होता है, तो मैं इसमें कंफ्यूज था सर, तो मैं माफी चाहूंगा। तो मंथ नेम फॉर्मूला आप डाल के आप अपना यहाँ पे देखिए जैन फेब आ गया। अब मैं अपनी डेटा में जाऊंगा, जो हमारा रिपोर्ट है हमारा, उस रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे आता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे मंथ को उठाया, आपको दिख रहा होगा, मंथ को हमने यहाँ पे दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे अपना क्वांटिटी दे दिया, राइट? और फिर इसकी जो यहाँ से जो विजुलाइजेशन है, इस विजुलाइजेशन में मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चार्ट्स को, राइट सर? हाँ सर। इनके फॉर्मूले की लिस्ट रहेगी ना किधर? तो हाँ, ये फॉर्मूले की जो लिस्ट है, यहाँ आपको फॉर्मूले की लिस्ट हम आपको बताते हैं, राइट? हाँ तो ये हो गए। अब बात आती है कि ऐसे कैसे फॉर्मूला कैसे लगेगा, समझ गए? हाँ सर। ये तो हमारी थी कि एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला लगा सकते हो, इसके अलावा आप इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारा क्वांटिटी अमाउंट है, कमीशन नहीं है, मुझे यहाँ पे 2% का कमीशन निकालना है, राइट? ठीक। तो मॉडलिंग में जाता हूँ, न्यू कॉलम, और मैं यहाँ पे जो कॉलम नेम है, इसके जगह पे मैं कमीशन देता हूँ यहाँ पे, कमीशंस, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी टोटल मल्टीप्लाई बाय 2%, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया, क्योंकि 2% का जो फॉर्मेट है, वो परसेंटेज का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लेता है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 0.02। आ गया, तो परसेंटेज हाँ का सर। फॉर्मेट जो है यहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, क्लियर है? हाँ सर। तो ये समझ में आ गया कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। तो ये हमारा फीचर्स है। अब बात करते हैं कि एक्सेल के फॉर्मूला लिस्ट, ऐसे तो लिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें सही रहेगा,
मैंने कुछ दिन पहले देखा था, बहुत अच्छा था वो, पावर बीआई फंक्शन लिस्ट एक्सेस किया था मैंने। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का डैक्स फंक्शन लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का डैक्स फंक्शन लिस्ट है, यहाँ दिखाओ। अलग-अलग कैटेगरी है आपका, कि आप डेटा टाइम फंक्शन पे जाएंगे तो आपको डेटा टाइम में फंक्शंस मिल जाएंगे, आप टाइम इस पे जाएंगे तो इसका फंक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ सर आप इस फंक्शंस को आज पढ़ लीजिए, राइट। फिर हाँ ठीक है कल हम इसकी कैटेगरी से एक-एक कैटेगरी के फंक्शंस को हम बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, ठीक ठीक है। हाँ सर हाँ ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। हाँ ठीक है।